हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की और आपको बताएंगे कि कैसे भारत की दो टीमें बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले होने वाली है आमने सामने। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल की इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज और मोस्ट हाइप्ड सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि सुनील मनोहर गावस्कर और एलन बॉर्डर के नाम से खेली जाती है, क्योंकि इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती तौर पर 10,000 से ज्यादा रन बनाए थे। भारत के लिए सुनील गावस्कर पहले खिलाड़ी थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए एलन बॉर्डर ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। तो दोस्तों, 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है ये 22 नवंबर से शुरू होगी और 22 नवंबर से जो ये सीरीज शुरू होने वाली है, इसका पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा पर्थ में। तो पर्थ में दोस्तों पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, डे नाइट टेस्ट मैच भी होगा इसमें एडिलेड में। तो उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। और कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपको खबर भी दी थी कि हो सकता है कि पहला टेस्ट मैच जो है उसमें भारत के जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो पहले टेस्ट मैच को मिस भी कर जाए। अब आपने देखा होगा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें उपकप्तान घोषित किया गया, जबकि भारत और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी उसमें उपकप्तान नहीं था। लेकिन इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है इसके लिए जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है, जो कि अपने आप में इंडिकेशन है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं कोई टेस्ट मैच तो जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करेंगे। अब दोस्तों, भारत की दो टीमें बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले आमने सामने होने वाली है। तो कौन सी ये दो टीमें हैं और आखिर ऐसी क्या नौ बता गई, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कोई प्रैक्टिस मैच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के शुरुआत में भारत के लिए नहीं रखा गया है। भारत ने पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से खेलना है जो कि पर्थ में खेला जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों खबर ये आ रही है कि इंडिया ए और इंडिया के बीच में एक मैच हो सकता है, यानी कि टीम इंडिया और इंडिया ए, और इंडिया ए की जो कप्तानी है वो ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। और इन दोनों के बीच में इसको एक इंटर स्क्वाड मैच भी आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारत अपनी दो टीमों के साथ जो है वो प्रैक्टिस करेगा। और ऐसा कई बार हो चुका है, रवि शास्त्री जब कोच हुआ करते थे, विराट कोहली जब कप्तान हुआ करते थे, तो कई ऐसे दौरे में, साउथ अफ्रीका के दौरे में भी ऐसा देखा गया कि भारत ने उस समय प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, अपना इंटर स्क्वाड एक मैच करवा लिया या अपनी प्रैक्टिस करी। तो ये भी एक जरिया है, क्योंकि कई बार भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से खबर आई है कि जब प्रैक्टिस मैच होता है उसमें उस तरीके की पिचेस नहीं दी जाती, या जैसी वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वैसी प्रिपरेशन उनको नहीं मिल पाती है। ये तो है जरूर कि प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ एक मैच भी होगा इंडिया का, जो कि कैनबरा में खेला जाएगा वो सीरीज के बीच में, बट उससे पहले कोई प्रैक्टिस मैच जो था वो रखा नहीं गया था। तो अब ये खबर आ रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में इंडिया ए की जो टीम है वो टीम इंडिया के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी दोस्तों। और इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया की ये बताया जा रहा है कि जो मेन प्लेइंग 11 है वो शिरकत कर सकती है। अगर रोहित शर्मा रहे तो रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे पर्थ में, और अगर रोहित शर्मा की एब्सेंस रही, यानी कि रोहित शर्मा अगर नहीं खेल पाते हैं, तो फिर हो सकता है जसप्रीत बुमराह उस मुकाबले में कप्तानी करें। तो ऋतुराज गायकवाड़ की एक टीम, जसप्रीत बुमराह की एक टीम, ये जो है पर्थ में प्रैक्टिस मैच में आपस में टक्कर करती हुई नजर आएगी, कंपटीशन करती हुई नजर आएगी, जो कि कह सकते हैं कि अच्छा है। इंडिया का स्क्वाड और इस वक्त इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा मजबूत है कि तमाम खिलाड़ी जो है वो तैयार हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि रिजर्व बेंच भी भारत की बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, जो कि दस्तक देना। और हो सकता है कि उसी इंडिया ए टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हों जो अच्छी परफॉर्मेंस दें, हो सकता है उनको, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, वहां पे भी उनको चांस दिया जाए या फिर उनको भी स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। खैर दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये थी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।